प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपको बता दें, हम मौजूद है नगर पालिका परिषद टांडा जुड़वा कस्बा मुवारपुर। आपको बता दें, सरजू नदी का किनारा है। ये देख रहे हैं कि जहां योगी सरकार और पीएम मोदी नदी में कूड़ा और नाले के पानी को रोकने को लेकर आए दिन कदम उठ कड़े निर्देश दे रहे हैं, वहीं नगर पालिका परिषद टांडा क्षेत्र के सफाई नायक की लापरवाही के कारण ये देख रहे हैं नगर का कूड़ा सरजू नदी में ठेला जा रहा है। लंबे समय से यहाँ पर आपको बता दें कि पालिका के सफाई कर्मी नायक के कारण सरजू नदी के पानी को जहां दूषित किया जा रहा है, वहीं अतिक्रमण भी किया जा रहा है। ऐसे में कई बड़ी सवालिय निशान हैं। क्षेत्र के आसपास के लोगों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है। आसपास के लोगों का कहना है, कई बार मना किया गया, लेकिन सफाई कर्मी नायक के द्वारा, जो प्रभारी राजस्व निरीक्षक है, उसके द्वारा मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री से सरजू नदी में फेंके जा रहे कूड़े को लेकर कठोर कदम उठाए जाने की मांग की है। आपको बता दें, लंबे समय से पूरे नगर टांडा का कूड़ा गाड़ियों से सरजू नदी में ठेला जा रहा है, जिससे सरजू नदी जहाँ दूषित हो रही है, वहीं सरजू नदी का क्षेत्रफल भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, सहयोगी अंकुर शर्मा के साथ, अम्बेडकर नगर। परिषद में तैनात राजस्व निरीक्षक की हिल्लटशाही चरम सीमा पर है। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद टांडा जुड़वा कस्बा मुबारकपुर क्षेत्र के सरजू नदी के किनारे जबरन सरजू नदी में नगर पालिका क्षेत्र का कूड़ा लाके पाटा जा रहा है, जहां एक तरफ जो है अतिक्रमण किए जा रहे हैं, वहीं प्रदूषण भी होता नजर आ रहा है। यहाँ के लोग क्या कहना है, इन लोगों की क्या मांगे हैं मुबारकपुर निवासी, क्या नाम है और हम जानते हैं क्या कहते हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं। चाचा, क्या नाम है पहले तो बताओ। बंसीलाल जी। चाचा, कहाँ के रहने वाले हो? मुबारकपुर के। ये सरजू नदी में कूड़ा फेंका जा रहा है, इसमें आप क्या कहें, कितने दिन से फेंका जा रहा है? अरे, महीना डेढ़ महीना से फेंक जा रहा था। अच्छा। तो क्या मना किया कभी आपने? बहुत दाय मना किया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि कहाँ बहाव कहाँ करें, ला ला बहाव करते हैं गाड़ी से। क्या दिक्कत होगी अगर सरजू नदी में पानी जो है कूड़ा फेंका जाएगा? सब गाँव मोहल्ला के बगल में है सब, मार गंदगी साफ घर सामने है। हाँ, और नदी में साफ हो करे के वो है तो मार नदी में कूड़ा एकदम बाहर गाज उठा। सब मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? प्रधानमंत्री जी से मांग है कि बस वो मांग ना पड़े, ना उकरे जाए नदी में, नदी कूड़ा ना जाए। क्या नाम भैया जी? मनीष कुमार। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरजू नदी में कूड़ा फेंकने को लेकर और नाले के पानी रोकने को लेकर कई बार दिशा निर्देश दे चुके हैं शासन को, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कूड़ा जो फेंका जा रहा है, क्या यह सही है? जी सही है, जिससे वासियों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर जो प्रदूषण हो रहा है, गंदगी खाने में जा रहा है, दुकानों में जा रहा है, मेला ठेला यहाँ लगता है, और यहाँ नदियों के किनारे कूड़ा लगभग 1.5-2 महीने से फेंका जा रहा है, जिससे हम लोग का रहन सहन में दिक्कत आ रही है जी। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे, क्योंकि सरजू नदी का जलस्तर, सरजू नदी जहाँ अतिक्रमण की चपेट में आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं प्रदूषण भी फैल रहा है जी। प्रदूषण जी, प्रधानमंत्री जी, हम मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जो ये कूड़ा है, इसको एक अलग जगह पे फेंका जाए। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नमामि गंगे, जिसके द्वारा नदियों की सफाई की योजना चलाई गई है, और यहाँ नदियाँ जो हैं गंदी हो रही हैं जी। क्या नाम बताया आपने? जी मनीष कुमार। कहाँ रहने वाले हो? जी मुबारकपुर। क्या नाम है चाचा? राव अकबर। ये कितने दिन से कूड़ा फेंका जाए, कुछ जानकारी इधर आ जाओ। हम तो बहुत कम रही थी यहाँ, लेकिन लगभग जो भाई साहब कहा थे लगभग वो सही है। सही है। हाँ। तो क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? अब मंत्री, प्रधानमंत्री जो योजना है उसका पालन करना चाहिए, कर्मचारी लोग के, जनता को, सबको। क्या पालन करना चाहिए? अरे, सफाई, गंदगी न जाए, कूड़ा करकट न जाए, बस। और का जो भाई योजना चला हुआ सरकार यहाँ से, होकर सबका पालन करना चाहिए, जनता को, जनता करिए, ना कि मोदी जी या योगी जी का आज देखते हैं।
हमारे लोग देखा ये कूड़ा जो फेंका जा रहा है, तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, नगर पालिका के कर्मचारियों को या किसे दोषी मानते हैं? भाई सब कर्मचारी लोगों का खुद चाहिए या नगर पालिका खुद चाहिए फेंका दोषी कही हम आपको नहीं मालूम। चलिए ठीक है, हम आइए बात करते हैं। ये नदी में कूड़ा फेंका जा रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए कूड़ा फेंकने का उसूल तो नहीं है नदी में जनता का, लेकिन वो गलती तो है ही है, जनता की गलती है और उस पर विचार करना चाहिए। नगर पालिका को भी इसके ऊपर जो है कमांड करना चाहिए कि भाई आप लोग ऐसा ना कीजिए, तो बड़ी कमी है, दोनों में कमियाँ, उनके भी कमी हमारे में भी कमी है। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कूड़ा निस्तारण को लेकर एक व्यवस्था बनाई जाए, नाले जो सरजू नदी में पानी जा रहा है उसको तत्काल रोका जाए, तो ऐसे में ये काम जो हो रहा है पालिका प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों की क्या मानेंगे, लापरवाही? कर्मचारी की भी लापरवाही, अपनी भी लापरवाही, अपना कूड़ा करकट हम नाले में ना डाले ना, ये कोई तरीका थोड़ा है कि हम कूड़ा करकट नाले में हम डाल दें। हमारी बात आप नहीं समझ रहे हैं, हम ये मेरा ये कहना है कि आप देख रहे हैं टाना नगर पालिका के सामने ही आप देख लीजिए, आपके सरजू नदी में कूड़ा ला के फेंका जा रहा है पूरे क्षेत्र, क्या ये सही है? पूरे क्षेत्र का कूड़ा फेंका जा रहा है, ये कूड़ा बटोर कर लाया जा रहा है, कोई फेंक नहीं रहा है नदी में, तो कर्मचारी की देन है, उसके ऊपर टाइट होना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से क्या मांगे हैं कि सफाई हो, उसमें कर्मचारी के ऊपर जरा सा रोक रखा जाए, देखे क्यों ऐसा बह रहा, क्यों ऐसा सरजू नदी में कूड़ा फेंका जा रहा है, क्या इस पर रोक लगाई जाए? बिल्कुल लगाना चाहिए उसको, रोक बिल्कुल लगाना चाहिए, वो नहीं रोक लगाए तो कौन लगाएगा? हम लगाएंगे, हमारे अंदर में शासन है, उनको तो चाहिए ना। क्या नाम है? नाम नमो घर द्वार पे पूरा डाटा दे दूँ, वीरेंद्र कुमार अम्बेस, मुबारक। हाँ, मुबारकपुर निवासी, मुबारकपुर के निवासी। इनका कहना है कि जो भी दोषी उन पर उनकी जाँच कर कार्रवाई की जाए और निश्चित तौर से जो हो रहा है वो गलत है। सभी लोगों ने, यहाँ के व्यापारी और ग्रामीणों ने, उनका कहना है कि कूड़ा तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज अम्बेडकर नगर।